हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम सीएनसी प्रोग्राम में G01 के साथ डायरेक्ट रेडियस कमांड का यूज प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। मेरे पास ये एक ड्राइंग बनाई हुई है, इस पे मैं दो जगह यहाँ पर रेडियस बनाऊंगा। एक रेडियस मैं यहाँ पे दे देता हूँ और एक रेडियस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और G01 के साथ हम रेडियस लगाएंगे। मान लो ये हमारा रेडियस 1 का है और ये वाला रेडियस R1.5 का है। मैंने दो रेडियस लगाने, अब मैं इसका एक प्रोग्राम लिखूंगा G01 के साथ रेडियस कैसे यूज होगा, तो मैं अभी प्रोग्राम बनाता हूँ। प्लीज पूरे वीडियो को आप वॉच करें, इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आएगा क्योंकि मशीन सामने आपके है। मशीन दिखा दो, यहाँ पे हम प्रोग्राम बना के रन कराएंगे, ठीक है। तो मैं चालू करता हूँ, तो जो हमारा पहले यहाँ पे लाऊंगा, तो यहाँ पे लाने के लिए पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ ओ, क्या नंबर प्रोग्राम में डाला है, ठीक है, ओ, ये आपने दो नंबर प्रोग्राम ले लिया, N1 G40 G80 G28 U0 W0, इससे हमारी होम पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद हम टूल ले लेते हैं, टूल नंबर कितना है, T0707, टूल नंबर 7। स्पिंडल चालू कर देते हैं M03S1200, हमने स्पिंडल चालू कर दिया। इसके बाद G0X44 है ना, सबसे बड़ा डाया, इससे 2 mm फालतू, तो हम ले लेते हैं X40 और Z में हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन कर लिया। इससे हम अब नीचे आएंगे, पहले हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम लिखेंगे G0X0.0 Z2.0। इससे हम यहाँ से सीधे यहाँ पे आ गए, तो इसके बाद हम यहाँ पे टच कराएंगे पीस को, तो यहाँ पे टच, जब यहाँ पे टच कराएंगे तो ये पॉइंट हमारा मान लो ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये मान लो मैं दे देता हूँ, पॉइंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी और सी के होंगे G01, क्योंकि टूल टच होगा तो G01 X0.0 Z0.0 फीट 0.1, ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रेडियस लगाना है, तो रेडियस एक का है, तो एक का रेडियस है तो अल्टीमेटली ये वाली जो डायमेंशन है इधर भी एक होगी और इधर भी एक होगी। तो यहाँ पे टूल जब आएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो आएगा G01 में, और यहाँ पे G0 रेडियस के हिसाब से 3 आएगा जी, लेकिन हम 3 से नहीं करेंगे, G01 से ही करेंगे, G01 से ही रेडियस लगाएंगे। तो हम यहाँ पे जो 34 है ना रेडियस के बाद जो पॉइंट है 34 डाया, तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे सी डी और ई। अगर हम G03 यूज करेंगे तो G01 में यहाँ तक लाएंगे, इसके बाद G03, लेकिन हम क्या करेंगे G01 में ही रेडियस देंगे, तो हम डायरेक्ट कमांड लेंगे, अब ई पॉइंट की लेंगे। अब हम ई पॉइंट की डायरेक्ट कमांड लेंगे G01 के साथ, तो हम लिखेंगे G01X, कितना हमारा 34, तो हम लिखेंगे X34.0, यहाँ पे Z हम यूज नहीं करेंगे, X34 और R कितना है 1, एक का रेडियस है तो मैंने R1.0 और फीट 0.1, ये पॉइंट डायरेक्ट हमने ले लिया ई, हमने डी छोड़ दिया, एक ही डायरेक्ट कमांड दे दी, ये पॉइंट हमारा हो गया ई। अब ये क्या करेगा, 34 में से यहाँ का जो रेडियस, ऐसे यहाँ भी रेडियस होगा ना ऐसे, तो यहाँ तक का जो डायामीटर है, ये डायामीटर पूरा कितना है 34, तो 34 में से एक ऊपर गया और एक नीचे गया, तो यहाँ का डायामीटर बचा 32, तो ये 32 डायामीटर रहेगा, तो 32 के डायामीटर तक सीधा चलेगा, फिर ये रेडियस उठाएगा,
मैंने डायरेक्ट 34 लिखा, आर वन दे दिया, डायरेक्ट ई पॉइंट की कमांड दी है, डी की नहीं दी। अगर हम इसे जी जीरो थ्री से लेते, जी जीरो थ्री आएगा ना एंटी क्लॉक वाइज, देखो ऐसे चलते हैं तो जी जीरो थ्री और ऐसे चलते हैं तो जी जीरो टू, तो यहाँ पे हमें डी की कमांड लेनी पड़ती जी जीरो वन से, फिर थ्री से ई की लेते, हमने डायरेक्ट ई की रख दी है, डी हमने छोड़ दिया, डी तक लेकिन चलेगा टू ऐसे ही, पहले डी पे जाएगा फिर ई पे जाएगा। इसके बाद हमें अब जेड देना, ध्यान रहे कि जब भी हम डायरेक्ट रेडियस की कमांड देंगे जी जीरो वन के साथ तो आगे वाली लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि रेडियस ऐसा भी हो सकता है इधर न बन के उधर बन जाए, ऐसे भी तो बन सकता है, तो इसीलिए अगली लाइन में जेड जरूरी है। जेड अगर नहीं देते हैं तो मशीन में अलार्म आएगा, 51 नंबर का अलार्म आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, अलार्म 51। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जी जीरो वन एक्स नहीं खाली जेड लिखूंगा माइनस, अब मुझे जेड कितना है 25, तो जेड माइनस 25.0 फिर 0.1। अब मैं यहाँ आ गया ई के बाद एफ के बाद जी और ये एच। अब मैं फिर वही चीज आ गई मेरे पास कि मैं ना जी जीरो वन वैसे तो लूंगा जी जीरो थ्री से, जी जीरो थ्री यूज होगा ना इसमें, तो जी जीरो थ्री से लेता हूं तो पहले जी फिर एच, लेकिन मैं वन लेता हूं तो वन में मैं डायरेक्ट एच की कमांड लिखूंगा, तो मैं यहां भी लिखूंगा जी जीरो वन एक्स, यहां का एक्स है 44, आर 1.5 और फी 0.1, मैंने डायरेक्ट कमांड ली एच पॉइंट की। देखो मैंने ना पॉइंट भी यहां पर शो कर रहा हूं, ये एफ है, या पॉइंट भी मैंने लिखे यहां रख ला, पॉइंट भी मैंने लिखे जिससे आप इसको सही ढंग से समझ सकें। एच के बाद फिर मैं लिख, अब फिर वही चीज कि जब मैं जैसे ये कमांड दूंगा तो इसके बाद जेड देना जरूरी है, नहीं तो रेडियस इधर की बजाय इधर भी हो सकता है, इसीलिए डायरेक्शन देना जरूरी है कि जेड किधर देना है। तो मैं जी जीरो वन जेड माइनस टोटल कितना है 45, तो जेड माइनस 45 3.1 और जी जीरो एक्स 46 और जी जीरो जेड 2 जी 28 यू जीरो डब्ल्यू जीरो एम 05 और लास्ट में एम 30, ये फाइनल आंसर फुटर हमने दे दिया। ये तो आपको आना चाहिए जब ये सब चीजें फुटर हेडर, तो तभी आपका प्रोग्राम बनता है। अब मैं इस प्रोग्राम को मशीन में एक बार दिखा के और इसको मैं रन करा देता हूँ, आप समझ गए ना कैसे प्रोग्राम बनाया है, प्लीज आप इसको सही ढंग से समझें। इसमें जी जीरो टू और जी जीरो थ्री का कहीं भी यूज नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रेडियस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जो आपको दिखे जो वन लिखा है ना मैं इसको टू कर देता हूँ, आर 2.0 और जो डेढ़ है इसको कर देता हूँ 2.5, ठीक है ना, तो अब वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब क्या होगी कि हमें कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, प्रोग्राम यही रहेगा, बस रेडियस में आर की वैल्यू चेंज करनी है, तो 34 में मैं आर लिख देता हूँ वन की जगह 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ डेढ़ की जगह 2.5, यहाँ पे थोड़ा रेडियस बढ़ा दिया है लगा हुआ। अब रेडियो तो खा लिया, रेडियो दे दिया ना, गुलाई आ गई, ऐसे ही अब आगे भी गुलाई आएगी, हमें और रेडियस बढ़ाना चाहूंगा तो और बढ़ा सकता हूँ इसमें, जैसे 2 का 3 करता हूँ तो गुलाई आ गई दोनों में। अब हम चाहे तो रेडियस और इसका बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दोनों जगह हमारी गुलाई आ चुकी है, ये रेडियस आ गया ना यहाँ पे, देखो ये दोनों रेडियस, ये रेडियस आ गया, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, दोनों रेडियस आ गए, दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों रेडियस, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा इस तरीके से रेडियस का कमांड है। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट चैम्पर का यूज करेंगे, डायरेक्ट चैम्पर कमांड से हम पेपर लगाएंगे,
डायरेक्ट कमांड देके वो अगले में हमारा आएगा। हमारे जो कोर्सेस हैं जो आपको बताया, जैसे CNC BMC दोनों मिला के 4,000 रुपये है, और कैड डायर कैम ऑटो कैड बिल्कुल फ्री है, इंडस्ट्रियल ड्राइंग GD&T मिलाते तो 1,000 रुपये उसका देना है। PLC ऑटोमेशन के भी कोर्स हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और लाइक करें, शेयर करें, कि कमेंट करें अगर आपको कोई और कुछ ऐसा चाहिए तो। थैंक यू, बाय।